रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हिंदुस्तान को पोलराइज किया जा रहा है। हिंदुस्तान में गंगा जमुना तहजीब को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह से एक नया पिक्चर बनाया जा रहा है, रज़ाकार जिसका नाम है। तो रज़ाकार एक ऐसा मूवी है जो पुरानी हिस्ट्री बताना चाह रहे हैं। लेकिन मैं एक बात आपसे क्लियर कर दूँ कि स्टोरीज़ कैन नॉट बिकम हिस्ट्री, स्टोरीज कैन नॉट बिकम हिस्ट्री, बट हिस्ट्री कैन बिकम स्टोरी। तो ये रज़ाकार पिक्चर एक स्टोरी है, इट कैन नॉट बिकम हिस्ट्री। तो इसमें परेशानी की बात नहीं है। ऐसे कई पिक्चर आते, कई पिक्चर जाते हैं, छोटे मोटे पॉलिटिशियंस अपना नाम फेमस कर लेने के लिए जो है सो ये मूवी बनाए, वो मूवी बनाए बोलकर जो है सो पब्लिक में आना चाहते हैं। लेकिन आई एम टेलिंग यू वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, स्टोरीज कैन नॉट बिकम हिस्ट्री, बट हिस्ट्री कैन बिकम स्टोरी। तो दिस मूवी इज जस्ट ए स्टोरी, यू टेक इट एज अ स्टोरी, यू शुड नॉट टेक इट एज अ सीरियस। आप देखिए, हम जो है सो इनोसेंस ऑफ मुस्लिम जो 2011 में आया था, मैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाल के उसको बैन कराया था, जिसमें हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई थी। फिर कमला हसन का विश्वरूपम मूवी आया था, उसको भी बैन कराया था मैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाल के। फिर सलमान खान का बिग बॉस मूवी, बिग बॉस शो में जो है सो कुछ इस्लाम के ताल्लुक से गलत गैर गलत बोले, उसको भी मैं बैन कराया था। तो अल्लाह के फजल करम से हम काफ़ी कारनामे, हमारे जो है सो हुजूर की शान में अगर गुस्ताखी होती है या इस्लाम के बारे में होता, तो दीज आर ऑल स्टोरीज क्रिएटेड टू जस्ट फॉर अ स्मॉल पब्लिसिटी टू पोलराइज द वोट्स। अब इलेक्शन आ रहा तो कुछ ना कुछ इश्यूज होना है, जैसा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जैसी एक केरला स्टोरी है, बीजेपी चाह रही कि पोलराइज कर दे। लेकिन मैं बीजेपी वालों को बोलता चलूँ कि अब बदल चुका है हिंदुस्तान, चेंज हो गया है माइंड सेट जो है चेंज हो गया है हर यूथ का, हर यंग पर्सन का। तो अब नो पीपल आर गोइंग टू फॉलो यू, अब जो है सो सेक्युलर पार्टीज विल कम इन पावर। तो आपको किसी को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, टेक इट एज अ स्टोरी। केरला स्टोरी थी, वो भी एक स्टोरी थी, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। रज़ाकार बनो, और भाई रज़ाकार पार्टी अभी तक कायम है, वो पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश करो, वो छोड़ दे के जो सो वो मूवी के पीछे पड़े, ये मूवी के पीछे क्या हासिल किया है आपको? 4 दिन चलती, 8 दिन चलती, उसके बाद वो किधर की चले जाता, फिर नया मूवी बनता। तो आप जितना क्यूरियस होते जाएंगे उतने आपके जज्बा से खेला जाएगा। तो मैं पब्लिक से अपील करता हूँ, तो टेक दिस एज ए ईजी, इट इज़ एन ईजी, इट्स नथिंग, कुछ होने वाला नहीं है। स्टोरी कितने भी बना लो, हिस्ट्री को ख़त्म नहीं कर सकती, हिस्ट्री विल बी ऑलवेज हिस्ट्री ओनली। खुदा हाफिज़।